मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट। तो हमने यहां पे लूप लगाया सबसे पहले कि फोर आई से चले टू टू सिक्स और यहां पे नेक्स्ट आई एम मुझे। तो इसमें आपको क्या है, इफ लगाना है। पहले आप एक ही करके चले, इफ रेंज ए के साथ हमने कंबाइन किया आई को, डॉट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 60, देन रेंज रेंज सी के साथ आई को कंबाइन किया, डॉट वैल्यू इक्वल टू 1500 हो गया। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें देखना है कि अगर ये 500 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, 50 to 80 के बीच में हमें 500 देना है। दो कंडीशन लग गया। तो इसमें क्या है कि हमने 500 वाले पार्ट है ना सर, अब मुझे इसको एक और इफ के अंदर में डालना हो यहां कि इफ रेंज 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 में हमने बोला कि ए के साथ कंबाइन हुआ आई डॉट वैल्यू इज, यहां पे उल्टा करना होगा, देना होगा ग्रेटर देन 60 और लेस देन इक्वल टू 80 दैट, और फिर यहां पे हम इसको एंड इफ करेंगे, सॉरी एल्स करेंगे, एल्स और यहां पे और यहां पे एंड इफ। समझ में आया अतीत जी? हां यस सर, मैं समझ रहा हूं। नमस्ते सर, पहले से इफ हमने लगाया, उसके अंदर हमने एक और इफ यहाँ पे, इफ और एल्स इफ यहाँ पे लगा, तीसरा इफ लगाना होगा। तो फिर मैं इसी को सेम यहाँ पे ऐसे करूंगा और यहाँ पे तीसरा इफ लगा, था इसी का इसी को कंफ्यूज करते चले। तो फॉल्स में लगाना है यहाँ, ट्रू में लगाना है तो यहाँ सर। और किसी को डाउट है कोई? इफ कंडीशन से रिलेटेड कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। तो चलिए क्वेश्चंस को समझिए। हमारे पास क्वेश्चन है जिन्होंने एक्सेल मेरे साथ किया है उसको एक एक क्वेश्चन याद होगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे ग्रेटर देन 60 हुआ तो 40 क्वांटिटी मल्टीप्लाई 40 देना है, और सेम चीज यहाँ पे करना है बट विदाउट इफ, यहाँ पे इफ कंडीशन अप्लाई नहीं करना है और यहाँ इफ से करना है। तो एक्सेल में से फॉर्मूला ले आया गया है आपको इसी तरह से VVA में इस चीज VVA के थ्रू करना है, समझ गए। और बहुत सारे लोगों ने इसको पहले भी किया है क्योंकि वो एक्सेल की क्लासेस जब लिए थे तो किए होंगे, याद है सर? हाँ जी सर। आराम से बैठ के आप लोग कीजिए और VVA की मदद से 11 क्वेश्चंस अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें 50% भी सॉल्व कर लेते हैं तो मैं समझूंगा कि आपको इफ समझ में आ गया, नहीं तो फिर मैं आपको इफ से रिलेटेड एक दो क्लास और देनी पड़ेगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको कीजिएगा, क्योंकि हमारे वजह से कुछ और भी बच्चे हैं जो कि आज तक उन्होंने होमवर्क दिया ही नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है सर, तो एक मिनट, बराबर आई तो इसके
टेस्ट फाइल तो सर भेज रखा मैं आप लोगों को, नहीं मनीष को भेजा था, उल्टा कर दिया था हमने, मनीष को भेज दिया, चलिए मैं दोबारा से कंपोज कर लेता हूँ तुमने अच्छा। सर एक दूसरा क्वेश्चन है, ये जो टोटल लगाते हैं उसमें कॉलम का टोटल लगाना है, जैसे कि A2 से लेके F2 तक का फिगर्स है और A2 से F2 का टोटल लगाना है उसके बाजू के कॉलम में, तो VBA से लगाना है, वो सम का फंक्शन काम नहीं कर रहा था, समझा नहीं क्या बोले आप? एक्सेल आप यहाँ पे टोटल चाहते हैं, जैसे कि ए बी सी डी चार में नंबर्स है और ई के अंदर ए बी सी डी का टोटल लगाना है। जैसे कि पांच सब्जेक्ट और उसका मार्क्स और उसका टोटल एक कॉलम में आ जाए ना, वैसे यहाँ पे टोटल वाला उसमें कॉलम्स को कैसे मतलब डायनामिक करे कि वो टोटल अपने आप वो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला लगा रहा होगा, उसको कॉपी कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे देना है लो, देखिए आप सब्जेक्ट आरा ब्रैकेट ओपन क्लोज आरा दो दो नाम मिल जाए चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, देन क्यूफोर आई इक्वल टू चले टू टू से वहां तक, नहीं लूप लगाने की जरूरत नहीं इसमें, यहाँ देना है हमें रेंज, रेंज में कौन सा कॉलम है एफ टू, F2 dot value या formula equal to inverted comma में sum का formula डाल दीजिए, डाल दिया आपने, फिर यहाँ पे देंगे range, F के बगल वाला कॉलम कौन सा E, E 65,000 row dot and X is up dot offset 0,1 dot select और फिर रेंज सिलेक्शन से सिलेक्शन एक्टिव एक्टिव सेल से सेल डॉट एन स्पेलिंग मिस्टेक है डॉट एन एक्सलेस अप डॉट फिल डाउन, ओके ओके
ठीक है। हमने हमने क्या किया कि हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करवा दिया F2, राइट? यस सर। फिर हमने बोला कि भाई यहाँ से मरीज E कॉलम से ऊपर जाओ और एक आगे बढ़ो, राइट? फिर हमने इसको बोला जहां पे कर्सर है वहां से ऊपर सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी मतलब कि फिल डाउन करो। ओके ओके, ये डायनेमिक वे हो गया, राइट? तो इसलिए मैंने भेजा है उसको फटाफट कीजिए, फिर कल मिलते हैं और कल हम बात करेंगे इस पे केस पे स्लैट केस पे और स्विच पे। ओके सर। ओके, गुड नाइट।